किस स्कूल में पढ़ते हो? किस टीचर ने मारा? किस किस बात को लेकर? टेबल पे सुन रहे थे तो हमने एक तो सुना दिया लेकिन बीच में कुछ गलती हो गई। काहे से मारा था? क्या मारा है? हाथ से और शेक से। क्या ब्लड वगैरह भी निकला है? स्कूल कहाँ पे है? ये सरस्वती विद्या मंदिर से सदन पूरन नगर में पड़ता है। क्या हुआ उसके साथ? सर ये आज स्कूल गया हुआ था सुबह, उसके बाद अभी करीब 12:15 बजे हमारे पास फ़ोन आता है कि आपके बच्चे के मुंह से ब्लड आया है, क्या आप उसके कोई प्रॉब्लम है? हमने कहा नहीं, प्रॉब्लम तो उसके कोई नहीं। हम तुरंत स्कूल पहुंचे, स्कूल में जाकर के बच्चे को हैंडओवर किया। बच्चे को जैसे ही हम स्कूल के गेट तक पहुंचे, बच्चे ने बताया कि पापा हमें मारा गया। हम फिर गए अंदर प्रिंसिपल से मिलने के लिए कि प्रिंसिपल को इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल केबिन बंद किए हुए थी। पीछे बाहर जो माताजी प्यून वगैरह रहती हैं, उन्होंने कहा कि अभी रुकिए, आप वेट करिए। करीब 15 मिनट हम वेट करते रहे, प्रिंसिपल मिली नहीं। फिर ऑटोमेटिक हमारे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो अंदर से कमजोरी या गिरने के संकेत दे रहा था, तो हमने उसको लेके वहाँ से निकल लिए। प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हुई, ना कोई उधर से। किस टीचर ने मारा? ये शिवेन शुक्ला नाम का एक टीचर है। किस स्टेज का टीचर है? वो मैथ पढ़ाते हैं, इनके क्लास टीचर भी वही हैं। किस बात को लेकर मारा? कुछ हमें लग रहा पहाड़ा क्या था, क्या इसकी शिकायत आपने कहीं पर की? अभी बस यही, हम कोतवाली के लिए कोतवाली आए हुए हैं, क्योंकि पलटी रुक नहीं रही है। ऑटोमेटिक इस समय 3-4 पलटी हो चुकी हैं ब्लड की, और बच्चे ने बताया कि उसे पहले हाथ से मारा गया, उसके बाद आधा घंटा चेयर का रूप दे के बैठाया गया, और जब उससे भी वो नहीं डगमगाने लगा बच्चा, आधा घंटा कहाँ सह पाएगा, तब उन्होंने पीठ पे इसके भूसे मार दिए। कोतवाली में क्या आश्वासन मिला आपको? कोतवाली से मेडिकल बनवा रहे हैं, तो बच्चे को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज रहे हैं, फिर आगे जो भी कार्यवाही हो।